Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an Akanine. Dear all CS professional students, pay attention. फटाफट से दो मिनट में बात करने वाला हूँ. लगातार जो तुम पूछ रहे थे, चैप्टर नंबर 22 और 23, CR, of course, देख लिया यार स्क्रीन पे. CR देख लिया ना. CR का पार्ट सेकंड के अंदर चैप्टर 22 और चैप्टर 23 दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, वैसे पहली बात तो अगर आपने एक बार थॉरली पढ़ लिया बहुत सी बात है, ठीक है. अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ते वक्त इन टॉपिक्स का ध्यान रखें बहुत अच्छे से. ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है अगर चैप्टर 22 और चैप्टर 23 आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो. मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स ने 22 और 23 प्रिपेयर ही नहीं किया है, बट आई सजेस्ट जाने से पहले, जी हाँ, आप एक बार पढ़ के जाएं. 22 किसकी बात कर रहा है? सरफर्स एक्ट की. इसके अलावा 23 बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार ही जरूर पढ़ के जाएं ऐसा. इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्वेश्चन था लगा था चैप्टर नंबर 2 पर, 3 पर एंड 4 पर, याद रखिएगा ये उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिन्होंने रेगुलर टेस्ट सीरीज लिया लेकिन अटेंड नहीं किया. बहुत बढ़िया किया. और उनके लिए भी कह रहा हूं जिन्होंने रेगुलर टेस्ट अटेंड किया है और टेस्ट सीरीज अटेंड करने के बाद अगर ये टॉपिक कंसीडर नहीं किए गए हैं तो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में मैंने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर किए हैं. अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये काम आएगा सब कुछ. मैं इंश्योर कर रहा हूं तुम पास आराम से हो सकते हो. तुम थोड़ा तो ध्यान दो. जो तुम्हें टॉपिक बताए जा रहे हैं, तुम्हारे टेस्ट सीरीज में बताए जा रहे हैं, बेटा वो क्वेश्चन नहीं, टॉपिक पे ध्यान दो. कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है क्वेश्चन का लेकिन टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा. अभी तुमसे अगर पूछा जाए ट्रिगर पॉइंट अंडर टेक ओवर रेगुलेशन, अब इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है? किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन क्या ट्रिगर पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट. तो तुम्हें क्लासेस में भी टॉपिक वाइज समझाया है, उसी को ध्यान से देखो और जितने भी क्वेश्चंस बताए उन्हें प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो भाई. अब लिखना नहीं है, बैठ के लिखने का टाइम नहीं है. अब तो सिर्फ एक काम कीजिएगा हाल फिलहाल कि आप क्वेश्चंस को लीजिएगा प्रॉपर, अगर याद कर लिया रिकॉल करके देखो, प्रोविजन को रिकॉल करो. कम टाइम पीरियड में बहुत कुछ कवर हो जाएगा. और अगर किसी ने पढ़ाई करी नहीं है तो फिर भगवान ही बचाए तुमको भाई, तो तुम्हें आगे क्या कहें. तुमने अगर पढ़ाई नहीं है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. इसलिए याद रखिएगा जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर ली है और जिनों का अगर लगता है 22, 23 या पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 2, 3 एंड 4 में तुम जो बार बार कह रहे थे सर क्या क्या ध्यान से देखें, तो ध्यान से आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लो. इसके अलावा याद रखो एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये मिल जाएगा, जिसको नहीं मिल रहा है रिक्वेस्ट भेजो. इसके अलावा उसको स्टेटस पे लगाया जाएगा ताकि आप वहां से भी इसे कलेक्ट कर सकें. फिर क्या दूं, रिकॉल प्रैक्टिस अच्छे से करना है. ऑलराइट, इसके अलावा याद देखिएगा डीडी के भी बताऊंगा, अभी गवर्नेंस का भी बताऊंगा, सीएसएल का बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार बने रहना. और इसके अलावा याद रखो अच्छे से थॉरली रिकॉल प्रैक्टिस को यूज करो जो हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए हैं. इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता आ रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, उन्हें बोलो, बोल के याद करो. ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिएगा. गुड बाय, टेक केयर.